देश भर में पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही। इसी कड़ी में आज हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपने सिरसा निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां बिजली मंत्री ने अपने परिवार समेत ताऊ देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उनकी बहन शांति देवी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, उन्हें नमन किया गया। चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती है और लोगों ने उन्हें बहुत ऊंचा, मतलब देश के सबसे ऊंचे पद तक लोगों ने पहुंचाया। कई बार मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर तक भी सिलेक्ट हुए। एक गांव के आम किसान आदमी को पूरे हरियाणा और देश के लोगों ने वहां तक पहुंचाया। उनके लिए लोगों की भावना है, श्रद्धा है, पूरे देश में मनाया जाता है। मैं क्योंकि हर साल घर में करता हूँ, लोगों को उनके जो दिवस होता है, जो देवीलाल का जयंती, उस पर लोगों को भोजन करवाता हूँ। मेरे घर में 10-15 हज़ार आदमी इस दिन आते हैं। आप देख रहे हैं, बाद सब भोजन करके जाते हैं। इनकी समृद्धि दिवस में एक अभी फरवरी में बहुत बड़ा आयोजन करूँगा, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा भीड़ होगी।